बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्पीड और द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज़ नोन एज अ केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि स्पीड को चेक करते हैं कि किस स्पीड से हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या किस स्पीड से हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। फिर जो फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं या स्लो डाउन करते हैं, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो सकता है या किस मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। सो द यूजेस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, फिर हमारे पास क्या आ जाती है कि इंडस्ट्रीज़ में हम इनको यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के मुख्तलिफ फैक्टर्स को हम यूटिलाइज्ड करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट कितनी स्पीड से परफॉर्म हो रहा है, क्या उसकी स्पीड आहिस्ता है, क्या उसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर उसी रेट ऑफ रिएक्शन को जो हम जिस एक्सपेरिमेंट या जिस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं रेट इक्वेशन। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कितने मॉलिक्यूल हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कि आपके पास एक मॉलिक्यूल यूटिलाइज्ड हो रहा है, दो मॉलिक्यूल यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, या वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कंसंट्रेशन कोई भी केमिकल काइनेटिक रिएक्शंस हैं, तो वो सारी हम क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कि आपके पास किसी भी मतलब कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आ जाए या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। लेट सपोज़ हम कोई सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को रेट एक्सप्रेशन से शो करना चाहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, रेट विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद टाइम इंटरवल इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मतलब कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है इनिशियल से लेकर फाइनल स्टेज तक, जब पूरा कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हो जाए उस पॉइंट तक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आती है उसको हम टाइम इंटरवल के साथ कंपेयर करते हैं और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लाइक द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन टाइम इंटरवल, कि कितने टाइम में आपके पास कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी आपको मिलती है। या फिर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स अगर हम करना चाहते हैं तो आपके पास दो टाइप की रिएक्टेंट्स यहाँ पे मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। अगर इन टर्म्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रेट इज़ इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम।
नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे क्या है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इनिशियल में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है, आफ्टर टाइम जितना टाइम गुजरता जाता है तो उसके अमाउंट में डिक्रीज आना शुरू होते हैं, तो इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से। यूनिट हमारे पास क्या है, दैट इज़ मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है। गैसेस के लिहाज से अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हो तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। अगर इसी अबव रिएक्शन से रिलेटेड हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना चाहते हैं सो हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कि आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास क्या है, दैट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर रेट ऑफ रिएक्शन अब हमारे पास क्या आया कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंजेस आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो इट इज़ नोन एज अ रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इसी वजह से आपके पास क्या हो जाता है कि रेट जो है ये स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है देर डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करते हैं। सो हम क्या करते हैं कि रेट इज़ इक्वल टू डेल्टा डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कि आपके पास क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन, डी एक्स रिप्रेजेंट करते चेंज इन कंसंट्रेशन को, डी टी रिप्रेजेंट करते चेंज इन टाइम को, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन को, एंड डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टाइम को अगेन रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये चेंज इन टाइम हमारे पास लार्ज इंटरवल के लिए हम यूज़ करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए जो है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन कर स्टार्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है बी। अब अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, तो रेट इज़ इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी एंड दैट इज़ इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। या फिर हम क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट देखते हैं, तो रेट इज़ इक्वल टू चेंज डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज़ इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सेस पे हम टाइम को लिखते हैं इन सेकंड्स एंड वाई एक्सेस पे हम कंसंट्रेशन को लिखते हैं। सो कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब में हम यूज़ करते हैं। इनिशियली जब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज़ ए ज़्यादा होता है तो उसको हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जितना टाइम गुजरता जाता है इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, लेकिन इनिशियली आपके पास क्या है कि रेट उसकी बहुत ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा टाइम भी उसने यूटिलाइज़ कर लिया है। लेकिन जब कंसंट्रेशन ऑफ ए कम हो जाती है तो फिर आपके पास क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो है वो भी फिर आपके पास बहुत कम टाइम इंटरवल में प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। सेम इन द केस एट द सेम टाइम आपके पास प्रोडक्ट इनिशियली ज़ीरो अमाउंट में मौजूद है जिसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो आपके पास क्या आ जाते हैं रिएक्टेंट जो है वो या आपके पास जो है बी की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाती है और फिर एट द एंड आपके पास फिर उसमें कंसंट्रेशन में इतनी चेंज नहीं आती। ये वो पॉइंट होता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में होती है।
सो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, या फिर हम क्या कहते हैं इसको कि रेट डिपेंड अपॉन द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या रेट डिपेंड अपॉन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पे ये डिपेंड करता है. सो ये हमारे पास क्या है कि जब इनिशियली आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, फिर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो गया तो फिर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होता जाएगा, बट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा जब कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा हो जाएगी. डी एक्स डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हमारे पास क्या है कि इसको हम चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एंड डी एक्स डी डिवाइडेड बाई डी टी जो है इसको हम चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं. मतलब दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एक जो डेल्टा है ये लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है या लार्ज डिफरेंस के लिए यूज़ होता है, और ओनली स्मॉल डी जो है वो स्मॉल चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं. डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, कि मतलब ढेर सारे टाइम इंटरवल पर आपने कोई भी कंसंट्रेशन चेक की, या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं और उसको हम डेल्टा डी एक्स एंड डेल्टा डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं. जबकि हमारे पास डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी जो है इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, कि मतलब हम किसी इंस्टेंट पे किसी एक पॉइंट पे अगर किसी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट दैट टाइम हम चेक करना चाहते हैं तो इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. फिर हमारे पास क्या है, रेट एक्सप्रेशन, रेट ला या रेट इक्वेशन की अब बात करते हैं. रेट एक्सप्रेशन या रेट ला या रेट इक्वेशन को सी एम गुलबर्ग और पी वेग ने जो है प्रपोज्ड किया था, इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था. अगेन हम इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को देखते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अगर आप देख लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएंगे. अब विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. सेम इन द केस रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अगर हम इन दोनों को कंबाइनली लिख लेते हैं तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. एंड इसको हम क्या कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन या रेट ला या रेट इक्वेशन कहते हैं. प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, या रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. एंड के आपके पास क्या है, दैट इज़ अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या इसको हम ओनली रेट कांस्टेंट भी कहते हैं. अगर हम इन दो रिएक्शन के लिहाज से कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हासिल कर ले और उसको ऑब्ज़र्व करें, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि ये एक टेबल है जिसमें हमने तीन सीरीज़ बनाई है, सीरीज़ वन, सीरीज़ टू एंड सीरीज़ थ्री. अगर हम क्या कर ले कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन मोल पर डीएम क्यूब, एंड टाइम जो है पर सेकंड में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. के की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज़ 0.5
लीटर पर मोल पर सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कंपोनेंट. अगर हम देखें, लेट सपोज हम सीरीज वन में देखते हैं, जब इनिशियली आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.1 थी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सीरीज वन में पूरी की पूरी डाउन द ग्रुप आपके पास 0.1 0.1 0.1 है. सो द रेट जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज़ 0.005 हो गया सेकेंड्स में, लीटर पर मोल पर सेकेंड हो गया. ठीक है, अब हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, दैट इज़ 0.2 हो गई. तो सेम इन द केस आपके पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो वो भी इंक्रीज हो जाएगा. फिर इसी तरह 0.3 से 0.015 रेट रिएक्शन आएगा, फिर 0.4 से 0.02 आ जाएगा. सो विद ईच डिग्री ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है. सिमिलरली सीरीज टू में भी देखें कि जब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हम इंक्रीज कर रहे हैं उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे पास 0.2 है. मतलब कि अब वहाँ पे हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी बढ़ा दी है. सो उसकी वजह से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो गए हैं. सीरीज थ्री में अगेन हमने क्या किया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है. सो बट एंड एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं. तो आपके पास क्या आ रहा है कि उसी के लिहाज से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. अगर हम इस चीज़ को हॉरिजॉन्टल लाइंस में देखें, तो लेट सपोज़ अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट लाइन में देखते हैं इस तरह, ये जो रेड लाइन मैंने लगाई है, ठीक है, अगर हम इस लिहाज से देखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.1 है, दूसरे में आपके पास 0.2 हो गई और थर्ड में आपके पास 0.3 हो गई. इसी लिहाज से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी 1 डिग्री इंक्रीज होती जा रही है. सो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं रिएक्टेंट्स की, तो सेम इन द केस रेट ऑफ रिएक्शन भी आपके पास इंक्रीज होता जाएगा. अब हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है. लेट सपोज एक रिएक्शन है जिसमें m मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्ट करते हैं n मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी एंड इट विल गिव्स अस अ प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट दे दे, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. अगर हम रेट को चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, सो हमारे पास रेट इज़ इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. या फिर अगर हम विद रिस्पेक्ट टू बी देखना चाहते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और दैट इज़ इक्वल टू के into concentration of A raised to the power M into concentration of B raised to the power N. मतलब कि आपके पास K जो है it is what, it is a velocity constant और rate constant है, और इसको हम define करते हैं कि the rate of reaction depends upon the concentration of reacting substance or active masses which raise to the power of their coefficient involved in the reaction. कि आपके पास रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या तो रिएक्टिंग सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पे या एक्टिव मास पे. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, एक्टिव मास, कि कितने अमाउंट में कोई चीज़ उस जगह पे मौजूद है. ठीक है, सो इस चीज़ के हम क्या कहते हैं कि ये जो है आपके पास
ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए आपके पास 1 मोल हो, सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ बी भी हमारे पास 1 मोल पर डीएम क्यूब हो, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और या फिर हम इसको कह सकते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के। अगर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, सो k को इसी जगह पे छोड़ देते हैं, k को यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको हम दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। सो इस तरह हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। सो k विल बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b, या dx डिवाइडेड बाय dt डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन। रेट इक्वेशन या रेट लॉ हमारे पास यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है कि ए जो है वो ए मोल ऑफ ए आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, सो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, वेयर रेट इज़ इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास कोएफिशिएंट है वो पावर में जब ले लेते हैं सो वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। हम इसके बाद इसको डिफाइन करते हैं कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कि आपके पास जितने भी एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है, उसका या जितने भी सम आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन या जितने नंबर ऑफ मोल्स यूटिलाइज्ड हो रहे होते हैं उसको जब हम सम कर लेते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। जैसे कि आपके पास क्या है, ए ऑफ ए रिएक्ट विद बी ऑफ बी प्लस सी ऑफ सी, सो इट विल गिव अस अ प्रोडक्ट एंड द डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी विल बी इक्वल टू रेट दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर सी। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू that is represented by n and n is equal to sum of the exponent that is a plus b plus c, small a plus small b plus small c, it is known as a order of the above generalized reaction. So there are different order of reaction exist, that is first order reaction, second order reaction and third order reaction as well as zero order reaction. अब हम वन बाय वन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट, इट इज़ नोन एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि आपके पास क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल हो फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट के, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लाइक ब्रोमीन है, इसको जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस के थ्रू या फ्री रेडिकल रिएक्शंस के थ्रू, सो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं टू ब्रोमाइड में। एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारे पास यूटिलाइज्ड हुआ, सो द रेट विल बी इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल विच इज़ रेस्ड टू द पावर 1। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1। सिमिलरली अगर हम रेडियो एक्टिव रिएक्शन ऑफ रेडियम का चेक करते हैं, सो दैट इज डिकम्पोज्ड एंड कन्वर्टेड इट टू रेडॉन प्लस हीलियम मॉलिक्यूल। सो इसकी वजह से आपके पास क्या हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल जो है वो रेडॉन का यूज़ होता है और इसी वजह से आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 के बराबर होता है।
सेम इन द केस डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात कर ले, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सो अगेन द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड दैट्स व्हाई द रेट विल बी इक्वल टू वन। सो आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो या इसी किस्म की कोई और रिएक्शन जिसमें वन मॉलिक्यूल्स जो है वो यूज़ हो रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन में, इस किस्म की रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन फॉर विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लाइक हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरल रिएक्शन से कि टू मॉलिक्यूल ऑफ ए विल बी गिव अस अ प्रोडक्ट, सो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू सो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर टू, क्योंकि टू मॉलिक्यूल यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। सो सिंप्लीफाई अगर हम स्पेसिफिक रिएक्शन के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज इंटू नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस एंड द डी एक्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेज टू द पावर टू। सो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच द रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लाइक इसको हम तीन तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक तीन रिएक्टेंट्स हो ए प्लस बी प्लस सी, सो इट विल गिव अस अ प्रोडक्ट, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी, या फिर हमारे पास एक रिएक्टेंट है वन हो और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो टू मोल हो, सो रेट विल बी इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर टू। सो इन दोनों का जो सम आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वन प्लस टू विल बी इक्वल टू थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली आपके पास एक ही मॉलिक्यूल जो है वो तीन मोल में यूटिलाइज्ड हो जाए, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें तीन मॉलिक्यूल ऑफ ए की ज़रूरत हो, सो इट विल बी नोन एज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लाइक दो मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव अस टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सो आपके पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एन ओ रेज टू द पावर टू इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ओ टू। इसको हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। एंड अब इस सब कंक्लूजन से हमें ये पता चला है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कि आपके पास कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उसी के मुताबिक ज़्यादा होगा, अगर कंसनट्रेशन कम हो जाएगी तो फिर आपके पास रिएक्शन की स्पीड भी जो है वो स्लो हो जाएगी। और इसको हम क्या करते हैं कि रेट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, अगर आपके पास कंसनट्रेशन ऑफ ए जो है वो वन हो तो फिर रेट आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट के बराबर। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चलती है, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं तो हमें मुख्तलिफ टाइम इंटरवल पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिल जाती है और उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड कर लेते हैं और उससे ही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी पता चल जाता है। सो आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है इनको हम थ्योरेटिकली कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते,
पहले हम रेट एक्सप्रेशन को एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करेंगे। सो ये सारा हमारे पास क्या था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स एंड रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कॉन्स्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था।